नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। सिंहेश्वर में है और सिंहेश्वर में नगर पंचायत चुनाव हो रहा है। सिंहेश्वर में पहली बार जनता अपने वोट से मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद पद को चुनने जा रही है। हमारे साथ मुख्य पार्षद पद के कैंडिडेट हैं कोमल कुमारी और साथ में उनके पति हैं डॉक्टर अनुराग। अब बात करते हैं सर, चुनावी मैदान में आए हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे और फिर अचानक से राजनीति, यानी चुनावी मैदान में आने के पीछे का कारण क्या है? सर्वप्रथम तो आपका इस चैनल के में देख रहे सभी जनता को मेरा प्रणाम और हमारी सिंहेश्वर के भी महान जनता है उनको भी प्रणाम। हम चिकित्सा पेशे से डॉक्टर हैं और इस क्षेत्र में आने का एक ही मकसद था, जिस समय में हमने एक बीपीएल सुविधा पेशेंट के लिए लागू की थी। उस समय में हमारा बीपीएल से संबंधित बहुत सारा यानी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, तो उसी से प्रेरित होकर के सोचे कि जब भी चुनाव होगा। क्या बीपीएल सुविधा, क्या बताया? बीपीएल सुविधा जो था कि जिसमें गरीबों को फीस नहीं लगता था और जो भी ट्रीटमेंट है मैं उसमें 25 से लेकर 25-50% तक का रिबेट था, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, मेडिसिन में 10 से लेकर 20% का रिबेट हुआ करता था। तो इससे प्रेरित होकर के, क्योंकि जो जब बीपीएल का सुविधा बोलते थे तो लोगों को लगता था कि नहीं, यहाँ से बीपीएल के लिए भी कुछ सरकारी योजना भी होगी और हमेशा वो बोलते भी थे कि नहीं सर, आप अगर बीपीएल सुविधा दे रहे हैं तो कुछ हम लोगों का इधर भी उधार कर दिया। मतलब क्या गरीब जो लोग बीपीएल कोटे में होते थे उन तक जो सरकार का योजना है बीपीएल कोटे का वो नहीं पहुंच पा रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था? जी, ऐसा ही आ रहा था कि बहुतों को है, 10 में 1-2 लोगों को होता है कि सर आप रिकमेंड कर देते हैं या आप सिफारिश कर देंगे, क्योंकि आप जब चला रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी इससे जुड़े हो, इस कारण से वो हमको अप्रोच करते हैं। तो वहाँ जो धंधे को पब्लिक को आपको लगे दिक्कत हो रहा है तो आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? जी, यही सब चीज सोच करके हो रहे थे कि सरकार तो अपना काम कर रही है, मगर जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो कि जिनके सरकार ने अपना जिम्मा सौंपा है, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का जो योजना है वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा था और इसको पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में है। जी हाँ मैडम, चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, लग रहा है कि जनता सपोर्ट कर रही है और भी बहुत ज्यादा सपोर्ट। लगातार क्षेत्र में जा रही है, लोगों से मिल रही है, लोग क्या बता रहे हैं, क्या समस्या सिंहेश्वर नगर परिषद में आपको दिख रहा है? समस्या तो बहुत सारी है, तो आप लोग भी देखते होंगे, सड़क की समस्या सबसे पहले है, साफ सफाई की समस्या दूसरे नंबर पे है, बच्चों को सही शिक्षा सरकारी स्कूल दे रखे हैं पर वहाँ पे शिक्षा बिल्कुल भी नहीं मिलता उन लोगों को, और भी क्या कहते हैं जो इंदिरा आवास योजना का लाभ होता है बहुतों लोगों को नहीं मिला हुआ है, तो इन सभी समस्याओं को देख रहे हैं। और महिलाएं सबसे ज्यादा इन सब चीजों से दुखी है कि मान लीजिए बारिश का मौसम होता है तो पानी चूता है तो हम लोग को ज्यादा समस्या होता है, बच्चा ही बीमार है तो सरकारी हॉस्पिटल सब में सरकार ने सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई फिर भी उन लोगों को नहीं मिलता, बोलती कोई सुनता ही नहीं है, सुनाने के लिए भी कोई बड़ा पदाधिकारी हमारे साथ होना चाहिए जिनका वो लोग सुनते हैं, तो इन सभी समस्याओं को देखते हैं सभी को सामना करना पड़ता है। क्या सबसे बड़ी समस्या सिंहेश्वर में लोग बताते हैं कि रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, आप भी लगातार क्षेत्र में जा रही होंगी और समस्या आपको दिख रहा होगा, क्या लगता है क्या उपाय इसका होना चाहिए, इसके लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? जी, सड़क का सबसे पहले सड़क बनवाना चाहिए, जहाँ जहाँ गड्ढे है वहाँ भरपाई करना चाहिए, सफाई करवाना चाहिए, हर जगह कीचड़ पड़ा हुआ, चलने में आने जाने वाले सभी आदमियों को दिक्कत होता, इसके लिए इस पे काम किया जाएगा। क्या काम मतलब है इसके अलावा, इन चीजों मुद्दों के अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके पास की, जो एजेंडा है आपका चुनाव में आने का? जी, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिलाना, जिन्हें जो भी बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें अब मान लीजिए कहीं से पेंशन नहीं आ रहा था, वृद्धा पेंशन तो सरकार चलाई हुई थी वो अभी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी वृद्ध महिलाएं उनसे वंचित है जिन्हें ये चीज नहीं मिल रहा है। और एक होता है पशुपालन वाला, उनके लिए जिनके पास जगह नहीं है वो सरकार जगह मुहैया करवाती थी अभी तक, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा है कि नहीं है वो चीज, तो वो सब चीज हमारे पहले पायदान पे होगा कि जिन जिन को ये चीज का लाभ नहीं मिला सबसे पहले हम उन चीजों का उन लोगों को लाभ दिलवाएंगे। सिंहेश्वर में जो बात अभी खुल के सामने आ रही है जाति बल और धन बल का अब खुल्लम खुल्ला प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे में कोमल कुमारी अपने आप को कहाँ पाते हैं? जी, हम इन सब से कहीं ऊपर पाते क्योंकि हम जनता के दिलों पे राज करते थे, हमको धन बल का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है, जनता हमें इतना सपोर्ट कर रही है कि चाहे कोई कितना भी धन बल का प्रयोग कर ले
पर हम लोगों के विश्वास को जीत चुके, लोगों का दिल जीत चुके। एक साल से जो 27 जनवरी से हम विजिट करना चालू किए हैं, जनता से जनसंपर्क करना चालू किया है, अभी तक हम कर ही रहे हैं, तो हमको लगता है जनता हम पे भरोसा कर रही है और हमें ही इस बार भारी बहुमत से जिताएगी। शराब का भी खेल चालू है क्षेत्र में, जो सामने आ रही है बड़ी खेप शराब की उत्पाद विभाग ने पकड़ी थी। कुछ और भी चीजों को बांटने का मामला, कभी कोई बता रहे कि साड़ी बट रहा है या कभी बता रहे कंबल बट रहा है, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, जनता किसको वोट कर रही है? जनता देखिए, जनता अब कोई लुटा रहा है तो लुटने से पीछे तो हटेगी नहीं, कोई मांगने जा नहीं रहा। हमारा जनता इतना भी निर्धन नहीं है कि कोई किसी से मांगे। अब कोई दरवाजे पे आके दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हम ये चीज आपको दे रहे हैं, इसके बदले में आप हमको वोट दीजिएगा। वोट दीजिएगा 5 साल तक हम आपका शोषण करेंगे, 5 साल तक जो हम आपको 5-10 हजार बांट रहे हैं उसका ब्याज सहित भी हम आप ही से निकालेंगे। जो वो लोग बांट रहा है, जो दूसरा प्रत्याशी है, साड़ी बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, दारू बांट रहा है, दारू बताइए, दारू जो बांट रहा है, जिनका लीवर खराब हो रहा है, जिनका परिवार है, जो रोजगार करता था 500-500 का दिहाड़ी कमाता था, वो दारू पी कर कहीं भी घोलता और मुफ्त में कहीं घूमता है, 500 रुपया मिला दारू पी लिया, उसका बीवी बच्चा कैसे खाएगा, आप ही लोग बताइए। ये सब चीज गलत हो रहा है। हम लोगों का चाहते हैं कि जहाँ तक हो जो भी उनके पास समस्या उनको दूर करे, लोग समस्या ही पैदा कर रहा है। तो हमको लगता है जनता इस बार हमको वोट करे, हम कहीं भी कुछ भी नहीं बांटे, हम क्यों बांटे, अरे हम वोट मांग रहे, उनका अधिकार है और वोट देना हमारा अधिकार है, वोट मांगना, ताकि हमका हम लोग उनका 5 साल तक जो भी है सब कुछ में विकास कर दे, जो भी उनका काम रुका हुआ था पिछले 5 वर्षों से वो इन 5 वर्षों में हम करके उन लोगों को दिखा दे, ताकि दूसरे बार जब हम उठे चुनाव में तो वो लोग हमें वोट मांगने तक का अधिकार न दे, क्योंकि वो खुद ही कहे कि हम इसी प्रत्याशी को जिताएंगे। तो हमको लगता है जब हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरे बार वो लोग हमको ही चुनेंगे। तो लगातार क्षेत्र में जाएगी भी नहीं होंगी, प्रचार कर रही हूँ, लोगों से वादे कर रही हूँ, क्या लग रहा है जनता का माहौल आपको कैसा बनता हुआ दिखता है? जी अभी माहौल हमको लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि सबका कहना है कि ये जब चुनाव स्थगित भी हो गया था तो एकमात्र कोमल कुमारी ही थी, डॉक्टर नागभट की पत्नी, जो बार बार विजिट की है, और जितना भी प्रत्याशी था जब चुनाव का माहौल था तो घूम रहा था, जब चुनाव स्थगित कर दी थी सरकार तो वो लोग रुक गया था, लेकिन हम जनसंपर्क बनाना कभी भी नहीं छोड़े हैं, हमेशा गए, लोगों का जड़ से समस्या जानने का जहाँ तक हुआ कोशिश किए और उनसे अपना रिश्ता बनाए हुए रखे, ताकि हम चाहते थे हमारा फैमिली रिश्ता ना कि जनता और नेता का रिश्ता, ताकि कभी भी कोई भी परेशानी हो तो वो लोग बेझिझक आके हमसे बात कर सके और उन समस्याओं पर हम काम कर सके। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या अपील उनसे करना चाहेंगे? जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी समस्या है, देखिए ट्रैफिक का समस्या है, ये सबको पता है, जनता को भी पता है कि कितना मतलब कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो हमारे यहाँ टेम्पो स्टैंड भी बना हुआ नहीं है, बस स्टैंड भी बना हुआ नहीं है, ये सब चीज बनवाएंगे। पर आप एक बार एक ऐसी महिला प्रत्याशी का चुनाव कीजिए जो कि खुद निकल के काम करे, वोट मांगने के लिए भी वो खुद ही आए, ना है कि अपने पति के मोहताज, क्योंकि सरकार जो फैसला की है कि महिला सीट है, उस फैसले का जब हम सम्मान कर रहे हैं तो आप सभी भी सम्मान कीजिए, ना कि जो महिला आती है खुद से, अगर आप कन्विंस होती है उनसे कि हाँ यही हमारा काम करेगी और यही हमें अभी भी आ रही है बाद में भी आएगी, उनका ही चुनाव कीजिए। और आप लोगों के हाथ में मतदान, मतलब कि मतदान एक ऐसा चीज है जिनमें पैसा नहीं लगता, आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, एक मतदान आप लोगों का भविष्य बदल सकता है। इसके लिए कोई कितना भी धन बल दे, पर अपने बुद्धि विवेक से काम करके एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करके आप उनको जिताइए, ताकि आपके साथ साथ पूरे नगर पंचायत वासियों का विकास हो सके। और अगर हम पे भरोसा है तो एक बार हमें जरूर मौका दे, आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। कौन सा छाप और कितनी कम संख्या पे है वो भी आप हमारी चैनल के माध्यम से। जी मेरा नाम कोमल कुमारी है और हमारा जो छाप है ईवीएम संख्या 2 पे है, और हमारा छाप मोटरसाइकिल छाप है, और आप सभी मोटरसाइकिल छाप 2 नंबर पे भारी बहुमत से कोमल कुमारी को विजयी बनाए। तो चलिए, हमारे साथ कोमल कुमारी थी जो कि मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार है, सिंहेश्वर नगर पंचायत से खुलकर अपना पक्ष उन्होंने रखा, साथ में उनके पति हैं डॉक्टर अनुराग कुमार, उन्होंने भी खुलकर सारी बातें रखी। आने वाला समय बताएगा कि सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता अपना मुख्य पार्षद किसे चुनती है। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।